वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ डे इन माय लाइफ। हम लोग यहाँ पे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे लैब में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, बेसिकली ऑल दैट। तो अभी हम लोग फील्ड पे आए हैं बकवीट के सैंपल्स लेने, जिसका हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्शन करेंगे नाइट्रोजन से। मैं सोचा था मैं ये डे स्टार्टिंग से मॉर्निंग रूटीन वगैरह सब दिखाऊंगी, पर वो नहीं हो पाया। सो जो मेन पार्ट है वो तो मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, सो बी विथ मी। ये सारे जो ऊपर से ये सब कवर्ड हैं, ये कुछ वाइट से ये सारे फील्ड्स हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्लांट्स उगाए हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ये वाला है बकवीट का प्लांटेशन। यहाँ पर मैं पहले फील्ड डिटेल में दिखाने वाली थी, बट दिस इन्फॉर्मेशन माइट बी कॉन्फिडेंशियल टू द रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रही हूँ, बाकी हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। हम लोग फील्ड से सैंपल ले आए हैं और यहाँ पर डीएनए क्रशिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये मॉर्टर और पेसल ऑलरेडी ऑटोक्लेव्ड हैं और हम उसको स्पिरिट और टिश्यू से फिर से वाइप कर रहे हैं ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना रह जाए। मॉलिक्यूलर लैब में साफ सफाई बहुत जरूरी होता है इन जनरल, बिकॉज थोड़ा सा भी कंटेमिनेशन आ गया तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये लिक्विड नाइट्रोजन की बकेट है जिसमें हमने सैंपल्स एल्यूमिनियम में रैप करके रखे थे। अभी हम एक बैग में सैंपल्स अलग निकाल ले रहे हैं जिसका हमको डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है। लिक्विड नाइट्रोजन अपने मॉर्टर में जिसमें हम लोग क्रशिंग करने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग डालेंगे अपना प्लांट सैंपल जिसका हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा पीवीपी ताकि इजी क्रशिंग हो। सभी सैंपल्स की क्रशिंग के बाद हम उसमें ऐड करते हैं 800 माइक्रोलीटर सी टैप बफर, और इस बफर को ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से वॉर्टेक्स के ऊपर मिक्स कर देते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर सबसे पहले जेल बनाने के लिए हम लोग एगरोस पाउडर को वे करेंगे। इस पाउडर
कैरेमल बफर जिसको हम उसी फ्लास्क में डालेंगे जिसमें पाउडर है, और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस सॉल्यूशन को अब हम हीट करेंगे ओवन में अच्छे से 1-1.5 मिनट के लिए, ताकि पाउडर डिजॉल्व हो जाए और हमारा जेल अच्छे से बने। सॉल्यूशन रेडी हो गया। यहाँ पर अभी हम ट्रे को क्लीन करके रेडी कर रहे हैं उसमें जेल पॉर करने के लिए। जितने टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे थीडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन जो मैं निकाल रही हूँ। ये कार्सिनोजेनिक होता है इसलिए इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। पर हम लोग जेल पॉर कर रहे हैं और इसको सॉलिडिफाई होने तक ऐसे ही स्टेबल रहने देंगे। हमने अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक यहाँ पर सेट कर लिया है और अब अपना डीएनए जेल पर लोड कर रहे हैं। I'm back with my old middle class setup again. और first of all, I would like to thank my scientist Dr. Vandana Jaiswal जिन्होंने मुझे video record करने दिया lab में. Ma'am, if you like the video, do tell me in the comment section below. And also a disclaimer I would like to give: this is not a tutorial video for performing practicals. This is just a glimpse I showed of my day in Palampur. कि मेरा एक दिन लैब में कैसा होता था वहाँ पे वाइल आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप, सो डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली, दिस इज नॉट अ ट्यूटोरियल, ओके। और दूसरी बात, हमारे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे। थैंक यू टू एवरीवन हु क्लिक दैट रेड बटन। थैंक यू यार, लाइफ बना दी तुमने, थैंक यू। और ये वीडियो शेयर कर दो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी यार। और तो क्या ही बोलूँ मैं, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया अभी तक, प्लीज़ प्लीज़। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।